अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम एम्बेडेड लॉ फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। एम्बेडेड का जो लॉ है ये एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट ने, इसका नाम जेन एम्बेडेड था, 1960 के अंदर ये लॉ जो है वो प्रपोज किया था, जिसमें इसका जो बेसिक पर्पस था कि आपने जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं तो उनमें से परफॉर्मेंस को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपने जो मल्टीपल टास्क जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें जो लेटेंसी आती है उस लेटेंसी को कैसे आप इम्प्रूव करके तो परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, इस वाले से ये लॉ प्रपोज किया गया था। पैरेलल कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अहमद के लॉ के अंदर फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था। इसमें उसने एक सजेशन दी थी कि आप मल्टीपल प्रोसेसर को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोसेसर की जो स्पीड है उसका जो स्पीड आप उसको एनहेंस कर सकते हैं। और ये जो मल्टीपल प्रोसेसर हैं ये आपके उन प्रोसेसर को जो कि आपके ओवरऑल सिस्टम की स्पीड अप के अंदर लेटेंसी इंक्लूड कर रहे हैं या वो किसी भी डिले का मौजूद बन रहे हैं, उनको आप अपने ऐसे प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएं कि उनकी जो लेटेंसी है वो इम्प्रूव हो सके हो सके और आपके जो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इससे एनहेंस हो सके। तो इस टर्म को हमने एम्बेडेड एर्गोमेंट भी कहते हैं, जो कि उसने लेटेंसी को रिमूव करके तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के हवाले से सजेशन दी थी। अहमद लॉ को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सपोज तीन फ्रेंड हैं, मानी, अली और अहमद, और तीनों ने किसी फंक्शन पे जाना है और एट ए टाइम उन्होंने फंक्शन हॉल के अंदर एंटर होना है। अब मसला ये है कि मानी जो है वो बाय कार फंक्शन पे जा रहा है, अली जो है वो बाईपास जा रहा है, और जो अहमद है वो बाय फूट जा रहा है, यानी वो पैदल चल के जा रहा है। तो बेशक मानी और अली जितनी भी स्पीड के साथ शादी हाल पहुंच जाएं, जब तक अहमद ने नहीं वहां तक पहुंचना वो तीनों हाल के अंदर एंटर नहीं होंगे। तो स्पीड अप जो है यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो होगा अहमद को जितना जल्दी है वो हम पहुँचाएँ, ताकि तीनों जो दोस्त हैं वो इकट्ठे एक साथ शादी हाल के अंदर एंट्री कर सकें। तो यही स्नैरियो जो है अहमद के लॉ के अंदर भी होता है कि आपका जो अहमद लॉ है वो ये कहता है कि आप सिस्टम के उन पार्ट्स के ऊपर फोकस रखें जो कि बाकी सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे सिस्टम की स्पीड अप के अंदर लेटेंसी आ रही है। तो आप उन पार्ट्स के ऊपर अपना फोकस रखें और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चाहे आप उसमें पैरेलल कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर लें, मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो आप यूज़ कर लें, लेकिन उन पार्ट्स को आपने इम्प्रूव करना है जिनसे आपके पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो रही है। और वेरी कॉमन जो अहमद लॉ का यूज़ है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर होता है, जिसमें ये लॉ हमें प्रपोज करता है कि आपके पैरेलल मल्टीपल जो प्रोसेसर हैं उनमें से कौन सा प्रोसेसर है जो कि आपके पूरे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस उसको डीग्रेड कर रहे, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करके तो अपने ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अहमद लॉ का जो फार्मूला है वो कैसे बनेगा। अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि सिंगल प्रोसेसर के ऊपर रन कर रहा है तो उसमें फ्रैक्शन एफ जो है हमारे पास उस कोड को रिप्रेजेंट करेगी जो कि पैरेलल प्रोसेसर है और उसके ऊपर कोई भी स्केजलिंग ओवरहेड नहीं है, और फ्रैक्शन वन माइनस एफ जो है ऐसे कोड को रिप्रेजेंट करेगी जो कि सीरियल वे के अंदर प्रोसेस हो रहा है। टी जो है वो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिंगल प्रोसेसर के ऊपर उस प्रोग्राम में स्पेंड करना है, और एन जो है नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं जो कि पैरेलल पोर्शन ऑफ द कोड को यूज़ करते हुए प्रोसेस करेंगे। तो इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अहमद लॉ का फार्मूला जो है वो बनाते हैं।
स्पीड अप हम कैसे गेन करेंगे कि टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन सिंगल प्रोसेसर को हम डिवाइड करेंगे टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन एन पैरेलल प्रोसेसर के साथ। ये कुछ इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा कि टी एफ वन माइनस एफ प्लस टी एफ को डिवाइड करेंगे टी एफ वन माइनस एफ प्लस टी एफ डिवाइड बाई एन। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फार्मूला है वन ओवर वन माइनस एफ प्लस एफ डिवाइड बाई एन। एफ यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पैरेलल प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि लिटिल इफेक्ट होगा आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। एन जो है वो लीड कर रहा है टू इन्फिनिटी, यहाँ के नंबर ऑफ प्रोसेसर आप जितने मर्जी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर। और स्पीड अप जो है ये आपका वन ओवर वन माइनस एफ फैक्ट के साथ इसको हम एलिमेंट कर रहे हैं, इसको बाउंड कर रहे हैं। और जितना आप इसके अंदर मजीद प्रोसेसर ऐड करते जाएंगे आपके जो परफॉर्मेंस है वो सिस्टम की इम्प्रूव होती जाएगी। मेन फैक्टर मेन जो पैरामीटर हमने अहमदाबाद के अंदर यूज़ करना है इसको देख के हम ये डिटरमिन करेंगे कि आया सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है कि नहीं। वो स्पीड अप है, स्पीड अप को अगर हमारे पास परफॉर्मेंस के जरिए काउंट करना चाहें तो परफॉर्मेंस यूजिंग एनहेंसमेंट है, इसको डिवाइड करेंगे परफॉर्मेंस विदाउट यूजिंग एनहेंसमेंट के साथ। या आप अगर एग्जीक्यूशन टाइम है तो एग्जीक्यूशन टाइम को विदाउट एनहेंसमेंट के साथ डिवाइड करना है एग्जीक्यूशन टाइम विद एनहेंसमेंट। तो ये आपका वो स्पीड अप फैक्टर है जो कि यहाँ पर इस बार के अंदर हमने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया है। अगर ये फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है इट मीन्स कि आपका जो अहमदुल्ला का फार्मूला है ये ठीक ट्रैक पे जा रहा है, आपको स्पीड अप जो है वो मिल रहा है। स्पीड अप को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए टू सी एंड सी टू बी। तो ट्रिप है हमारे पास फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हमने एक ट्रिप जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। तो ए टू सी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स टाइम के साथ मई हो रहा है 20 मिनट्स हैं। और सी से बी ईच टाइम हमारा जो टाइम है वो वेरी कर रहा है। तो हम इस ट्रिप को स्पीड अप जो है वो देखते हैं सी टू बी का स्पीड अप कितना आता है और ओवरऑल हमारा जो स्पीड अप है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ए टू सी हमारे पास जितनी भी हमारी सी टू बी मेजरमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट ए टू सी हमारा टाइम जो वो फिक्स है और सी टू बी हमारा टाइम 50, 20, 4, 1.7 और 0.3 है। इसके बाद टोटल टाइम जो है वो हमारा ए टू बी पर फर्स्ट केस 20 प्लस 50 हमारे पास 70 मिनट्स है या मिली सेकेंड है। उसके बाद 20 प्लस 20 40 सेकेंड आ गया, 20 प्लस 4 है, 20 प्लस 1.7 21.7 है और 20 प्लस 0.3 20.3 हमारे पास टोटल टाइम जो है वो ए टू बी केस जो है वो पॉइंट हुआ है। उसके बाद हमने सी टू बी स्पीड अप जो है वो कैलकुलेट करना है। तो स्पीड अप जो है सी टू बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका अभी हमने फार्मूला जैसे कि पढ़ा कि एग्जीक्यूशन टाइम अगर गिवन है तो एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट एनहेंसमेंट को डिवाइड करना है आपने एग्जीक्यूशन टाइम विद एनहेंसमेंट के साथ। यहाँ पे हमारे सी टू बी मैक्सिमम जो टाइम है वो 50 है, तो विदाउट एनहेंसमेंट हमारा टाइम कितना हुआ 50। और जब इसको 50 सेकंड्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं तो ये विद एनहेंसमेंट भी 50 आएगा। तो 50 डिवाइड बाई 50 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइम है 20, तो विदाउट एनहेंसमेंट कितना था 50, विद एनहेंसमेंट कितना हो गया 20। तो 50 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास स्पीड अप कितना हुआ 2.5 टाइम। इस तरह से 4 है तो 50 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर 50 को डिवाइड बाय 1.7 करेंगे, फिर 50 को डिवाइड बाय 0.3 करेंगे। तो हमारा स्पीड अप जो लास्ट है वो 166.66
टाइम जो है वो फास्टर है। इसके बाद ओवरऑल जो स्पीडअप है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल स्पीडअप के लिए हमारे पास जो ओवरऑल टोटल टाइम है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो विदाउट एनहेंसमेंट टाइम है वो हमारे पास 50 और 20 70 है, और विद एनहेंसमेंट फर्स्ट टर्म के अंदर वो 70 को डिवाइड बाई 70 करेंगे, आंसर 1 आएगा। फिर हम 70 को डिवाइड बाई 40 करेंगे, अब यहाँ पर हमने 20 और फिर सी टू बी का ये टाइम पिक किया है, 20 प्लस 20 40 है, तो 70 डिवाइड बाई 40 किया, हमारे पास आंसर 1.75 टाइम फास्टर आया। इस तरह हमने 70 को डिवाइड बाई 20.3 करना है, तो हमारे पास आंसर 3.4 टाइम स्पीड अप जो है वो फाइंड होगा। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एग्जीक्यूशन टाइम एंड एनहेंस्ड फ्रैक्शन एंड एनहेंस्ड स्पीड अप, हमारा जो एमडस का लॉ है वो कुछ मजीद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। एग्जीक्यूशन टाइम न्यू जो है वो वाला एग्जीक्यूशन टाइम होगा जो कि उसके अंदर हमने कुछ एनहेंसमेंट किए हैं, कुछ नए प्रोसेसर ऐड किए हैं, तो वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है विद एनहेंसमेंट यानी कि न्यू टाइम होगा। एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड है वो विदाउट एनहेंसमेंट होगा। फ्रैक्शन एनहेंसमेंट कौन सी होगी, फ्रैक्शन ऑफ वर्क जो कि आपने एनहेंसमेंट के बाद उसके अंदर एडअप किया है। स्पीड अप इस तरह से एनहेंस होगा, स्पीड अप ऑफ एनहेंस्ड मोड जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एग्जीक्यूशन टाइम न्यू जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस फ्रैक्शन एनहेंस प्लस फ्रैक्शन एनहेंस डिवाइड बाई स्पीड अप एनहेंस, ये वो वाला टाइम है आपको प्रेजेंट कर रहा है जो कि अनहेंस्ड मोड के अंदर आप जो काम कर रहे हैं। इस तरह से टाइम स्पेंड यूजिंग एनहेंसमेंट के अंदर ये वाला हमारा पोर्शन जो है वो उसके अंदर आएगा। स्पीड अप को अगर हम रीडिफाइन करें तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑल डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम न्यू, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा फार्मूला स्पीड अप का बनेगा 1/1 माइनस फ्रैक्शन एनहेंस्ड प्लस फ्रैक्शन एनहेंस डिवाइड बाय स्पीड अप एनहेंस्ड। तो हमारा स्पीड अप का फार्मूला जो कि एग्जीक्यूशन टाइम फॉर टास्क विदाउट एनहेंसमेंट को डिवाइड करना था एग्जीक्यूशन टाइम फॉर टास्क विद एनहेंसमेंट, जिसको हमने ओल्ड एग्जीक्यूशन टाइम और न्यू एग्जीक्यूशन टाइम के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब इसका फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है कि 1/1 माइनस फ्रैक्शन एनहेंस प्लस फ्रैक्शन एनहेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड अप एनहेंस के साथ, हमारे पास ओवरऑल जो स्पीड अप है वो कैलकुलेट होगा। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हमें किसी भी अगर एग्जांपल को अहमद के फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है तो हमें उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में से फ्रैक्शन एनहेंस्ड और स्पीड अप एनहेंस्ड दो फैक्टर या वो उसमें से फाइंड करने होंगे जो कि हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें जो स्पीड अप है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम इस रेलिवेंट कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है कि वी आर कंसीडरिंग एन एनहेंसमेंट टू द प्रोसेसर ऑफ ए वेब सर्वर, द न्यू सीपीयू इज 20 टाइम फास्टर। तो स्पीड अप एनहेंस हमारे पास कितना आ गया, 20% ऑन सर्च क्वेरीज देन द ओल्ड प्रोसेसर, द ओल्ड प्रोसेसर इज बिजी विद सर्च क्वेरीज 70% ऑफ द टाइम। ये अब हमारे पास फ्रैक्शन एनहेंस जो है वो 70% आ गया है। तो व्हाट इज द स्पीड अप गेन बाय इंटीग्रेटिंग द एनहेंस सीपीयू, अगर आप एनहेंस सीपीयू को 20 टाइम फास्टर है उसको अगर आप इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो क्या स्पीड अप आपको मिलेगा। तो ये हम अमजद ला के फार्मूले के जरिए फाइंड करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, फ्रैक्शन एनहेंस हमारे पास 70% है 0.70, स्पीड अप एनहेंस हमारे पास 20 टाइम्स है। तो 0.70 और 20 को हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास जो स्पीड अप गेन हो रहा है नए प्रोसेसर को इंटीग्रेट करने से वो 2.98 टाइम है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम आपको फास्ट स्पीड या वो नए सीपीयू को इंटीग्रेट करने से मिलेगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
Suppose that we are considering an enhancement to the processor of a server system used for web serving. The new CPU is 10 times faster on computation in the web serving application than the original processor. Assuming that original CPU is busy with computation 40% of the time. तो अब आपको यहाँ से स्पीड अप भी मिल गया है और फ्रैक्शन एनहेंसमेंट जो है वो भी मिल गई है 40% ऑफ द टाइम एंड इज वेटिंग फॉर आयो 60% ऑफ द टाइम। अब अगर कोई प्रोसेसर आइडल है या आयो का वेट कर रहा है तो आप इस फार्मूले में आपको ये वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज़ द ओवरऑल स्पीड अप गेन बाय द इनकॉर्पोरेटिंग विद एनहेंसमेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एम्स लॉ स्पीड अप फार्मूला। फ्रैक्शन एनहेंस हमारे पास 40% है और स्पीड अप एनहेंस हमारे पास वैल्यू 10 है। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास 1.56 टाइम्स एनहेंसमेंट जो है स्पीड अप जो अपने सिस्टम के अंदर हमें मिलेगा जब हम इस प्रोसेसर को जो कि 10 टाइम फास्टर है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्रोसेसर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से एमडल लॉ के फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने सिस्टम का ओवरऑल जो स्पीड अप है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितनी हमारे सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।